बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स अलॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखने के, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें कौन सी क्वांटिटीज फ्रेंड्स मिलेगी। अगर मेरे पास एक वेक्टर बेटा ए है और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स मेरे पास सिंपल, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अगर फ्रेंड्स इस वेक्टर ए को बेटा मैं स्केलर एक नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वेक्टर के बेटा जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास फ्रेंड्स वो डबल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 2 ए बनेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर इसी वेक्टर ए को मैं एक स्केलर नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इस वेक्टर के फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस फ्रेंड्स हम सिंपल यहां से एक बात कह सकते हैं कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को बेटा मल्टीप्लाई करें किसी भी स्केलर क्वांटिटी तो वी ऑलवेज गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। और फ्रेंड्स हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वालिटी मिलेगी कि मीन्स जब भी आप वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट में फ्रेंड्स हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। फ्रेंड्स सपोज करें अगर मेरे पास वेलोसिटी बेटा क्या हमारे पास वेक्टर क्वालिटी है, अगर इस वेक्टर क्वालिटी को मैं एक स्केलर क्वालिटी बच्चों मैस एम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट में हमें इस वेक्टर क्वालिटी क्या मिलेगी बेटा, मोमेंटम मिलेगा। तो इट मीन्स फ्रेंड्स आज के टॉपिक के अंदर हमें ये देखना है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को फ्रेंड्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में फ्रेंड्स हमें किसी तरह कितनी तरह की क्वांटिटीज मिलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी बच्चों हम दो वेक्टर को वेक्टर के साथ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स हमें दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। या तो बेटा हमें मिलेगा स्केलर प्रोडक्ट या फ्रेंड्स हमें मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स स्केलर प्रोडक्ट को बेटा हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को फ्रेंड्स हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स आज जो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा हमने डिस्कस करना है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई करने हैं तो रिजल्ट में बेटा जो आपको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट मिलेगा आज उसको हमने अंडरस्टैंड करने हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक की तरफ जो कि बेटा हमारे पास क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स सिंपली देखें जब दो वेक्टर्स को बेटा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में अगर आपको रिजल्टिंग क्वांटिटी बेटा स्केलर मिले तो इस तरह के प्रोडक्ट को फ्रेंड्स हम नाम देते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स सपोज करें हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फ्रेंड्स मैं फोर्स जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके और वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा जो कि फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास वेक्टर होगा। अगर बेटा हम बात करें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में तो फ्रेंड्स उसके लिए अगेन सपोज करें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर बेटा मेरे पास ए है, दूसरा वेक्टर फ्रेंड्स क्या है मेरे पास वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को फ्रेंड्स आपने मल्टीप्लाई कर लें तो मैथमेटिकली हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों को आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा।
तो इट्स यहाँ पे जो ए बी कॉस ऑफ थीटा है हमारे पास जो ए है ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और जो बी है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है जो थीटा ये एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड स्टूडेंट्स वेक्टर बी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ कि हम फिजिकली स्केलर डॉट प्रोडक्ट को बेटा किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन सपोज करें मेरे पास ये वेक्टर ए है और दूसरा स्टूडेंट्स मेरे पास वेक्टर इनका आपने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कोइंसाइड करवा देना। देखिए स्टूडेंट्स वेक्टर ए की टेल को बच्चों आपने वेक्टर बी की टेल के साथ बेटा क्या करना है कोइंसाइड करवा देना है और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान स्टूडेंट्स बनेगा एक एंगल हमारे पास थीटा बनेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरी बातें बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनी जब आपने दो वेक्टर्स का बेटा डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों वेक्टर का स्टूडेंट्स आपने डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या करना है फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करते हैं उसका रूल बेटा ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट वेक्टर पर बेटा क्या लेने प्रोजेक्शन लेने तो इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के स्टूडेंट्स आपने मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट या इसी बात को स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर इसी बात को स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर स्टूडेंट्स देखिए आपने फाइंड क्या करना है बेटा आपने फाइंड करना है ए डॉट बी तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बेटा कौन सा आपका ए और सेकंड वेक्टर का आपने फर्स्ट वेक्टर को स्टूडेंट्स क्या लेने प्रोजेक्शन लेने या सेकंड वेक्टर का बेटा आपने इफेक्टिव कंपोनेंट लेने इन द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर तो आपने जब सेकंड वेक्टर का बेटा फर्स्ट वेक्टर के ऊपर क्या ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट्स वो देखिए आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट वेक्टर बेटा हमारे पास ए सेकंड वेक्टर इस केस में हमारे पास वेक्टर बी तो सेकंड वेक्टर का आपने क्या ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ड्रॉ करने और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है बी कॉस ऑफ थीटा और स्टूडेंट्स एंगल के अपोजिट बेटा हमारे पास होता है बी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो मैंने गिवन कंडीशंस लिखी हैं आपने फर्स्ट वेक्टर की बेटा क्या लेनी है मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर को क्या ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन। अगर स्टूडेंट्स हम देखें जो सेकंड वेक्टर इस केस में हमारे पास बी है फर्स्ट वेक्टर के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा
इसी बात को स्ट्रेन सम इस अगर इसके लिए हाथ देखें मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन फर्स्ट वेक्टर बेटा मेरे पास ए कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्ट्रेन फर्स्ट वेक्टर के अलोंग सेकंड वेक्टर का बेटा कौन सा कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास पी कॉस ऑफ थीटा तो स्ट्रेन सम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्ट्रेंथ कौन सा है हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा तो स्ट्रेंथ ये बनेगा हमारे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा सेकंड के स्ट्रेंथ सेकंड के स्ट्रेंथ हमारे पास ये है सेकंड केस में बेटा आपने क्या फाइंड करना है सेकंड केस में हम यहाँ लिख लेते हैं कि आपने फाइंड करना है बी डॉट सेम इसी फिगर को स्ट्रेंथ हम दोबारा ड्रॉ करते हैं पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो स्ट्रेंथ देखें अब इस केस में हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बेटा कौन सा है बी सेकंड वेक्टर बेटा हमारे पास कौन सा है ए तो ये देखें दोनों वेक्टर की टेल को स्ट्रेंथ मैंने आपस में क्या करना है कंसाइड ये स्ट्रेंथ वेक्टर ए और ये बेटा मेरे पास वेक्टर बी और हमेशा याद रखिएगा जो एंगल बनता है वो हमेशा वेक्टर की टेल के दरमियान बनता है और स्ट्रेंथ से हमारे पास क्या बनेगा एंगल थीटा अब इस कंडीशन के मुताबिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वेक्टर का आपने क्या लेनी है मैग्नीट्यूड वो आपने ले ली अब स्ट्रेंथ सेकंड वेक्टर है सेकंड वेक्टर का आपने फर्स्ट वेक्टर पर क्या ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ड्रॉ करने मीन्स कि स्ट्रेंथ जो सेकंड वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर के अलोंग उसका इफेक्टिव कंपोनेंट स्ट्रेंथ आपने क्या करना है फाइंड करने अब इस केस में स्ट्रेंथ सेकंड वेक्टर बेटा मेरे पास ए है सेकंड वेक्टर का आपने फर्स्ट वेक्टर को स्ट्रेंथ क्या ड्रॉ करने प्रोजेक्शन तो ये स्ट्रेंथ हमारे पास इसका आ जाएगा बेटा प्रोजेक्शन इस केस में हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बेटा ए था सेकंड वेक्टर बी था इस केस में फर्स्ट वेक्टर बी है सेकंड वेक्टर स्ट्रेंथ हमारे पास ए है तो स्ट्रेंथ इसका जो प्रोजेक्शन है एंगल के अपोजिट स्ट्रेंथ हमेशा हमारे पास होता है जी ए साइन ऑफ थीटा स्ट्रेंथ एंगल के साथ हमेशा होता है हमारे पास ए कॉस ऑफ थीटा तो स्ट्रेंथ हम लिख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर के हमारे पास मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्ट्रेंथ हमारे पास क्या आ रहा है ए कॉस ऑफ थीटा तो स्ट्रेंथ हमारे पास क्या बनेगा बी ए कॉस ऑफ थीटा सेकंड स्ट्रेंथ इसी के अंदर हम एक प्रैक्टिकल स्केलर डॉट प्रोडक्ट की बेटा लेते हैं एग्जाम्पल सपोज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी है जिसका मास m है बेटा आप इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं मीन आप इसको पुल करते हैं खींचते हैं जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस डायरेक्शन में बेटा आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट या इस डायरेक्शन में आपकी बॉडी स्ट्रेंथ क्या करती है मूव करती है ये बेटा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन इस डायरेक्शन को आपकी बॉडी का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा एंगल अब स्ट्रेंथ देखें आपका जो फोर्स वेक्टर बेटा वो आपने अप्लाई किया इस तरफ आपकी बॉडी मूव करती है स्ट्रेंथ इस तरफ मूव करती है और तो इस केस में आपने फोर्स को उसके कंपोनेंट के स्ट्रेंथ क्या करना है रिसॉल्व करना है तो स्ट्रेंथ देखें किस तरह से बेटा आपने सॉल्व करना है तो यहाँ से आपने फोर्स का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एंगल के अपोजिट स्ट्रेंथ हमारे पास होता है एफ साइन ऑफ थीटा एंगल के साथ बेटा हमारे पास होता है एफ कॉस ऑफ थीटा तो इसको स्ट्रेंथ लिखना किस तरह से आपने बेटा आपको मालूम है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें उस फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे तो उसको हम किसका नाम देते हैं स्ट्रेंथ कि अप्लाइड फोर्स के नतीजे में अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं बॉडी ने फंक्शन किया है तो इट मीन्स कि स्ट्रेंथ हम जानते हैं जो वर्कटन है बेटा वो डॉट प्रोडक्ट था किस किस का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर आप इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप किस तरह लिख सकते हैं लिखें फोर्स बेटा आपने क्या लिखना है इफेक्टिव
कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, के मोशन के अलॉन्ग बेटा हमारे पास जिस तरफ आगे बॉडी मूव कर रही है उसके अलॉन्ग फोर्स का बेटा इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास कौन सा आ रहा है। और डॉट स्ट्रेन साथ में क्या लेने, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है डी, तो इसके क्या लेने आपने मैग्नीट्यूड, तो स्ट्रेन इसको आप सिंपल क्या ले लेंगे। अब मोशन के अलॉन्ग स्ट्रेन देखिए फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट बेटा क्या आ रहा है हमारे पास एफ कॉस ऑफ थीटा, तो W is equal to F cos of theta into strain D, तो आ जाएगा हमारे पास एफ टी cos of theta। तो फ्रेंड्स देखिए जब आपने फोर्स अप्लाई की उसके एक एंगल थीटा के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग बेटा, इस केस में आपके सारे के सारे फोर्स ने वर्क नहीं करना, फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये बच्चा हमारे पास आया हो जाएगा, ओनली फोर्स के किस कंपोनेंट ने हमारे पास वर्क करना है बेटा, सिर्फ F cos of theta, बच्चों क्या करने वर्कडन करना है। इस केस में देखिए आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में बेटा वो क्या मिली एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज में बेटा डॉट आता है इसलिए हम इसको नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इन केस ऑफ बेटा भी उसको जो है स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं।